प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से। जैसा कि हमने बताया था कि 4 अगस्त को टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज। और फिजिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है मैकेनिक्स का, उससे क्वेश्चंस के आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिससे कि टेस्ट में आप लोगों के बढ़िया मार्क्स आए। जो बच्चे नए टेस्ट दे रहे हैं वो भी सीखें, जो टेस्ट देंगे वो भी सीखें, जो कोचिंग में ऑलरेडी आकर के इस समय क्लास कर रहे हैं वो भी सीखें, और जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं वो भी सीखें। ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए जो भी आप क्वेश्चन सीख रहे हैं यहाँ पर, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, उसको लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिले। और अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिले और सब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखें। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि डायमेंशन के कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था, तो उसी सीक्वेंस में आगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही कॉन्सेप्ट है, बट ट्रिकी कॉन्सेप्ट आज बताने वाले हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। और आज जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, वो आपके लाइफ को चेंज कर देगा, आपका सिलेक्शन दिला देगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो। और वो है ट्रिकी, जिसमें कि आप ट्रिक सीख जाएं तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व हो जाएंगे जिसको कि सॉल्व करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, लेकिन वो ट्रिक सीखने के बाद आप सारे क्वेश्चन बस ऐसे देखेंगे और फट से बेटा आप आंसर बोल दोगे, ठीक है, चुटकी बजा कर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे लगेगा कोई जादू सीख गए, एकदम से लगेगा किसी फल का जूस बना के जूस बना करके सीधे पिला दिया गया है आपको, ऐसा महसूस होगा। ओके, आप देखते हैं। डायमेंशन का आज हम लोग ट्रिकी डायमेंशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रिकी डायमेंशन, चुटकी बजा के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और इसमें हम बात कर रहे हैं इफ कैपिटल एल की बात कर रहे हैं। कैपिटल एल लेंथ भी होता है, बट हम यहां कैपिटल एल की बात कर रहे हैं इंडक्टेंस। कैपिटल एल इज इंडक्टेंस। कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस। एंड कैपिटल सी इज कैपेसिटेंस। देख रहे हो, सभी हार्ड टर्म है जिसका डायमेंशन खुद ही इंडिविजुअल डायमेंशन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम लग जाता है। मुश्किल क्या है, मतलब टाइम लग जाता है। अब इसको क्या करता है बेटा, मिला करके क्वेश्चन बना देता है, और जब मिला के क्वेश्चन बना देगा तो बताओ कितना वो टफ क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगने लगेगा। और एग्जाम में आपको क्या करना है भाई, हर क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व करना है। इसलिए जब भी एल आर और सी एक साथ दे तो वो क्वेश्चन ट्रिकी मेथड से सॉल्व हो जाता है, और कम से कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे आपका चुटकी बजा के सॉल्व होगा। इंडक्टेंस का यूनिट होता है बेटा हेनरी, याद रखिएगा, हेनरी को एस इंडिकेट करते हैं। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है, ओम का सिंबल आप लोग जानते ही हैं। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है बेटा फैरेड होता है। ओके, तो जो हम यहां पर ट्रिक बताने वाले हैं वो ट्रिक ये है कि डायमेंशन ऑफ, देखो डायमेंशन ऑफ एल अपान आर, एल अपान आर का डायमेंशन यानी इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, ये इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ रूट ओवर एलसी। देख रहे हो, एल अपॉन आर का डायमेंशन इक्वल होता है आर इंटू सी का डायमेंशन, इक्वल होता है रूट ओवर एलसी का डायमेंशन। तो किसके इक्वल होता है, एकदम आसान, ये सब का सब बेटा
टाइम के डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन ऑफ टाइम, ये इक्वल होता है टाइम का डायमेंशन, इसको कहेंगे डायमेंशन ऑफ टाइम। ये टाइम का डायमेंशन होता है। अब इससे आपको फायदा क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस आप एक लाइन में क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आंसर आप दे देंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, आप देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन होंगे आंसर सीधे उसका दिखाई देगा। ठीक है, तो जब हम लोग फिजिक्स में आरसी सर्किट पढ़ते हैं, एलआर सर्किट पढ़ते हैं, तो एलआर सर्किट में करंट का ग्रोथ और डीके पढ़ते हैं, आरसी सर्किट में कैपेसिटर पे चार्ज का ग्रोथ और डीके पढ़ते हैं। ये जो भी ग्रोथ और डीके होता है सब एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो आरसी सर्किट में हम लोग पढ़ते हैं कि आर इंटू सी इज टाइम कॉन्स्टेंट, आरसी सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट होता है, एल अपान आर एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है। ओके, फिर जब हम लोग एसी सर्किट पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/2 pi √1/LC, तो इसको पलट दो तो √1/LC क्या होता है बेटा, टाइम हो जाता है। तो आप बस एक बार बस समझ लो, ये हमेशा के लिए याद हो जाता है कि L/R का डायमेंशन R/C का डायमेंशन √1/LC का डायमेंशन, ये सब डायमेंशन आप क्या होता है, टाइम होता है। इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसका आंसर सीधे दिखेगा, जैसे लगेगा कोई जादू सीख गए हो, जैसे लगेगा कोई जूस पी लिए हो, ऐसा महसूस होगा आपको, कूद कूद के बेटा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पढ़ाई में मन लगने लगेगा आपका, और अपना जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो आपका सपना है आप उसे जरूर बेटा पूरा करोगे। आप क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहां पर क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, देखो किसका डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ आर इंटू सी, बोलो डायमेंशन आप आर इंटू सी क्या आप सॉल्व करना है, आंसर दिख रहा है ना, इसका आंसर बेटा आपको दिख रहा है, क्वेश्चन साफ दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलो क्वेश्चन साफ दिख रहा है। इसका डायमेंशन बेटा देखो क्या होगा, टाइम का डायमेंशन, और टाइम का डायमेंशन देखो बी ऑप्शन दिख रहा है, m/0 n/0 t, इसका मतलब ये जो आर सी है इसका डायमेंशन सीधे सीधे इसका डायमेंशन हो जाएगा बी ऑप्शन m/0 l/0 t, क्योंकि अभी आप पढ़े हो कि आर इंटू सी का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होता है। यह क्या हो गया बेटा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, किसका डायमेंशन पूछ रहा है बेटा, देखो एल अपॉन आर का डायमेंशन, बताओ खूब पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, आप सवाल पेपर उठा के देखो, बुक उठा के देखो, ऐसा आंसर उसका आप दिखाई देगा। देखो एल अपॉन आर का डायमेंशन आपको दिख रहा होगा, बताओ बेटा कौन सा सही है, देखो यहाँ पे डायमेंशन लेस है, ये देखो m/0 l/0 t, बी ऑप्शन इसका सही हो गया, इसका मतलब जो एल अपॉन आर है इसका डायमेंशन, देखिए बेटा बी ऑप्शन सही है, ये डायमेंशन हो गया m/0 l/0 t, दैट इज कौन सा ऑप्शन इसमें भी सही है बेटा, बी ऑप्शन यहां पर भी सही है। तो बताओ क्या सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, नहीं, अब तो एकदम क्वेश्चन देख रहे हो और सीधा आंसर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्पीड बढ़ाना, कॉन्फिडेंस लाना। तो ट्रिक से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बोलते हैं, और पूरे फिजिक्स में जितना भी सेक्टर है इतना अथाह सिलेबस है फिजिक्स का, खूब ढेर सारे ट्रिक्स मिलते हैं, खूब ढेर सारे ट्रिक्स देते हैं, जैसे कई क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ट्रिकी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, LCM आर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली द कॉम्बिनेशन व्हिच नॉट हैव, देखो बेटा क्या है, व्हिच नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन नहीं है। तो आप लोग बताओ एल अपॉन आर आर सी रूट बर एल सी ये सब क्या है, टाइम है, तो उसको पलट दो तो किसका डायमेंशन आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब देखो आप यहाँ पर इसको देखो इनवर्स कर दिया है ना, तो ये हो जाएगा बेटा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, इसको भी पलट दिया है 1/RC, ये भी कर हो गया बेटा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, और ये देखो एल अपॉन आर होता है टाइम, यहाँ लिखा है आर बाय एल, ये भी क्या हो गया फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है ये इसका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन नहीं होगा।
तो अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता होता तो आप यहाँ पे झेल जाते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, टाइम बहुत ज्यादा लगा देते, और एग्जाम में क्या होता है कि हर क्वेश्चन आपको कम से कम समय में सॉल्व करना रहता है। तो ये सब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है, क्योंकि जितना फॉर्मूला उन्होंने बताया था सब पलट गया, और ये क्या हो गया बेटा, सी अपॉन एल इज नॉट फ्रीक्वेंसी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो डायमेंशन हमने ट्रिकी डायमेंशन बताया उसी पर देखो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि डायमेंशन किसका पूछ रहा है, एल अपान, ये जो ऑब्लिक लिखा है बेटा ये अपान है, देखो एल अपान आर स्क्वायर इंटू सी, ओके। तो इसको क्या करो तुम, लिख लो एल अपान आर अलग लिख लो, और वन अपान आर सी बेटा तुम अलग लिख लो, बस साल हो गया क्वेश्चन, विश्वास नहीं करोगे क्वेश्चन साल। एल अपान आर अभी पढ़े हो डायमेंशन ऑफ टाइम, आर सी भी पढ़े हो डायमेंशन ऑफ टाइम, ओ डियर क्वेश्चन आपका साल, टाइम अपान टाइम क्या हो गया टी पावर जीरो, और टी पावर जीरो मतलब डायमेंशन लेस, यह गया यम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर जीरो, तो ऐसा लिख रहा है देखो डी ऑप्शन। तो कैसे इतना आसानी से सॉल्व हो गया, इतने हार्ड क्वेश्चंस ट्रिकी मेथड से, जादू मेथड से, जूस मेथड से, एक झटके में आपने क्वेश्चन क्या कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बुक में देखिएगा, एकदम सीधे आपको आंसर दिखाई देगा, और हमेशा का आंसर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, अगला जो वीडियो होगा उसमें और ढेर सारे कांसेप्ट बताने वाले हैं, थोड़ा हायर कांसेप्ट भी बताने वाले हैं। सब सीखते रहिए, अपने दोस्तों मित्रों को फटाफट वीडियो बेटा आप शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं उनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको वीडियो मिले। थैंक यू बेटा।